वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आप सभी का स्वागत है। नाउन सीरीज के इडियम्स में आपका ए बी सी हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डी। डी में भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स या इडियम्स कलेक्टेड है। नाउ वी हैव टू स्टडी। पहला वर्ड लिखा हुआ है लैकोनिक स्पीच। लैकोनिक का मतलब ही होता है कॉन्साइज। हिंदी में अगर अर्थ निकालें तो सारगर्भित, यानी जिसमें थोड़े शब्दों में सारी बात कही गई हो। तो लैकोनिक स्पीच का मतलब कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट स्पीच। क्लियर। लॉफिंग स्टॉक। लॉफिंग स्टॉक मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉफ, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस पर हंसी आ जाए या जिसका मजाक बनाया जाए तो एट द पर्टिकुलर डे या पॉइंट पर वो आपके लिए लॉफिंग स्टॉक होता है। क्लियर है। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में तारीफ तो है मगर लेफ्ट हैंडेड जब भी आए तो उसको नेगेटिव ले जाते हैं हम लोग। क्लियर है। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब अ कंप्लेन इन द फॉर्म ऑफ प्रेज। आपकी प्रशंसा की जा रही है लेकिन प्रशंसा के साथ साथ ताना या शिकायत के भी पुट मिल रहे हैं। डन है। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है लर्न लेजर, यानी ऐसा अवकाश जो आपने लर्निंग के लिए लिया है, यानी हॉलीडे टू गेट मोर एजुकेशन, और ज्यादा एजुकेशन गेन करने के लिए जो आपने हॉलीडे गेन किया है उसे हम लर्न लेजर कहते हैं। लेबर पेन प्रसव पीड़ा, यानी पेन पी ए आई एन पेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। डन है। और लेबर रूम कहा जाता है तो लेबर रूम मतलब वेयर द चाइल्ड बर्थ। फिर है अ लाइट स्लीपर। लाइट स्लीपर मतलब वन हु टेक्स शॉर्ट स्लीप, जो बहुत थोड़ी सी नींद लेता हो उसे हम लाइट स्लीपर कहते हैं। लेम एक्सक्यूजेस। तो लेम एक्सक्यूजेस वेरी सिंपल टू अस। फॉल्स एक्सक्यूजेस यानी कि झूठे बहाने। लेम एक्सक्यूजेस मतलब फॉल्स एक्सक्यूजेस, झूठे बहाने। फिर गुड फॉर नथिंग, जैसे किसी के लिए कहा जाए कि ही इज गुड फॉर नथिंग, तो मतलब ही इज यूजलेस, वो किसी काम के लिए अच्छा नहीं है। फिर हाई टाइम ऑफ समथिंग मतलब प्रॉपर ओकेजन, यानी उसका उचित समय, इस समय कोई चीज पीक पर है तो हाई टाइम है। अगर एजुकेशन पीक पर है तो हाई टाइम है। अगर इकोनॉमिक में किसी चीज का, किसी शेयर का अच्छा समय चल रहा है तो उसका हाई टाइम होता है। हाई टाइम फॉर द गुड टाइम फॉर समथिंग। मैडन नेम मतलब नेम बिफोर मैरिज, यानी विवाह से पूर्व का नाम। लेकिन अगर मैडन स्पीच कहा जाता है तो मैडन हमारे लिए कॉमन वर्ड है और मैडन का मतलब ही होता है विदाउट यूज। ठीक है। तो मैडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच, ऐसा स्पीच जो पब्लिकली व्यक्ति ने पहली बार दिया है उसका एक तरह से मैडन अटेम्प्ट है, पहला प्रयास है। फिर नेक्स्ट है मदर विट। तो मदर विट मतलब होता है नेटिव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जो आदमी नॉर्मल एक लॉजिकली पैदा होता है जिस नॉलेज के साथ, या उसको एक्सपेक्टेशन की जाती है कि यू शुड हैव दिस नॉलेज, तो उस कंडीशन को हम लोग मदर विट कहते हैं। डन है। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा है द नेक ऑफ टाइम मतलब एप्रोप्रिएट टाइम, यू मस्ट डू इट या ऑलवेज डू एवरीथिंग एट द नेक ऑफ टाइम, सबको उचित समय पर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका नाइन डेज वंडर। तो नाइन डेज वंडर मतलब फ्यू डेज सेलिब्रेशन, चार दिन की चांदनी, जो हिंदी में हम बोलते हैं ना चार दिन की चांदनी, तो उसका इंग्लिश में जो एडियम बनता है वो आपका नाइन डेज वंडर ही होता है। डन है। फिर आर नॉडिंग एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मतलब होता है परिचय,
और नॉडिंग मतलब होता है हां में सिर हिलाना। तो अ स्लाइट एक्वेंटेंस विद अ पर्सन और स्लाइट नॉलेज ऑफ समथिंग, यानी किसी व्यक्ति से बस थोड़ा सा जान पहचान है कि यू क्या आप उसको जानते हो, तो यू में से यस, तो ये यस वाला जो फॉर्म होता है उसी को हम लोग कहते हैं नॉडिंग एक्वेंटेंस। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब ऑलमोस्ट नथिंग, कोई चीज कुछ भी नहीं है, यानी कि किसी काम की नहीं है, तो उसके लिए आप कह देते हैं नेक्स्ट टू नथिंग, अब तो कुछ है ही नहीं इसका। नो लव लॉस्ट, इसका ये अर्थ ना निकालिएगा कि नो लव लॉस्ट यानी प्रेम का अंत नहीं है, दिस गेस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी इसका अर्थ निकलता है इंटेंस डिसलाइक, बहुत कट्टर दुश्मनी होना। ठीक है, फिर नॉट वर्थ वन सॉल्ट, यानी किसी के लिए उपयुक्त ना होना, तो नॉट डिजर्विंग। ऑर्डर ऑफ द डे, मतलब जो चीज चलन में चल रही है, इन फैशन है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ द डे। क्लियर है? ऑयली टंग, ऑयली टंग मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बातें, यानी फ्लैटरिंग वर्ड्स। इफ अ पर्सन हैज ऑयली टंग्स, यानी कि अ पर्सन हैज फ्लैटरिंग वर्ड्स, उसके पास चिकनी चुपड़ी बातें हैं। फिर वंस कप ऑफ टी, कप ऑफ टी आपको बताया गया था कि वो आपकी फेवरेट है, यानी आपको अच्छी लगती है, आपको उसके बारे में बेस्ट जानकारी है। फिर अगर लॉयंस शेयर की बात करें तो लॉयंस शेयर ऑफ समथिंग का मतलब है कि लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग या लार्ज शेयर ऑफ समथिंग, किसी हिस्से को बांटा गया, डिवाइड किया गया, और जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा होगा उसे हम कहते हैं लॉयंस शेयर। डन। लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ मतलब द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस, यानी धैर्य की अंतिम सीमा, अगर किसी ने लिमिटेशन क्रॉस कर दी तो आप कह सकते हो कि यू हैव क्रॉस लास्ट स्ट्रॉ ऑफ माई पेशेंस। डन। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा है मूड पॉइंट, मूड पॉइंट मतलब विचारणीय बात, डिबेटेबल पॉइंट, और लास्ट है आपका मेयर्स नेस्ट, तो मेयर्स नेस्ट मतलब होता है अ फॉल्स इन्वेंशन, यानी झूठा आविष्कार, ऐसी कोई भी चीज जो आपके बारे में कहा जाए कि ये हो रहा है और आप जानते हैं कि दिस इज एब्सोल्युटली नॉट, कि हो ही नहीं सकता, तो यू मे से फॉर दैट वन कि दिस वन इज मेयर्स नेस्ट, ये एक तरह का फॉल्स इन्वेंशन है या मनगढ़ंत बात है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। Thank you very much.